संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो सुत द्वारा गृह लक्ष्मी तो घर पापी के लियो संत मिलन को चालिए तजमाया यभिमान जो जो फेर स्वामी धरो प्रभु जो जो जागे समा संत हमारी आत्मा और हम संतों की ले रोम रोम में रम रहो प्रभु जो बादल बीच में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत द्वारा ग्रह लक्ष्मी तो घर पापियों के होय ए तो चीजों पापियों करी लाजी तुलसीदास जी महाराज विशेष बात लिखी है संत समागम हरि कथा आ चीज यानी जिको कोई बिरला घर ही प्राप्त हो जाकर जिकर माथे भगवान री असीम कृपा हो बिर करे सत्संग हरि कीर्तन जागरण भगवान रो गुणगान ज्ञान चर्चा भी करे जो है जठे भगवान री असीम कृपा हो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान ज्यो ज्यो फेर स्वामी धरे प्रभु तू तू यज्ञ समा राजू जी अठी ने पधारो मोड़ा घना पधारियो बढ़िया बैठा हो संत हमारी आत्मा और हम संतों की देह जो आत्मा है सोई परमात्मा है और परमात्मा है वही देह है सरनो एक चीज है नर देह और नारायण देह नारायण में और अपा में की फर्क हो एक ही चीज है राम 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 सत्संगत अमर जड़िए सत्संगत अमर जड़िए सत्संगत अमर जड़िए सत्संगत अमर जड़िए सत्संगत अमर
गरीब सत संगे दीनी राम जी बांदर को सुगरीब सत संगे दीनी राम जी बांदर को बनी सतगुरु दीन दयाल की मात पिता गुरुदेव की गुरु विश्वकर्मा भगवान बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो जय हो। सत्संग अमर जड़ी है जे कोई लाभ ले सत्संग रो उनको खबर पड़ी। सत्संग पहले भी हुई और आज भी है और आगे भी हुई। वेला जो जो कड़ रू परो ज्यादा कड़ चुक रहो
जो सत्संग सोबारे सोबारे माथे होवेला सत्युग रे माने बापति सत्संग होती क्योंकि बीते में सत्रो पोरो तो पछा आ गयो तो अपुर जन थोड़ी थोड़ी सत्संग होन लागी पछा आ गयो त्रेता जन खासी खासी सत्संग री महिमा होन लागी अब सरना कलजुग रो पोरो आ गयो सत्संग है दी आज सोबारे सोबारे माथे हो रही है बाकी जे कोई लाभ लेवे सत्संग रो उनको खबर पड़ी जे कई ई सत्संग ने समझया है सत्संग रो विचार करियो है चाहे गावना नो है चाहे सरोता वे इरमा ने सबने लागू है चाहे कोई भी है जो मनुष्य जुड़ी इरमा ने भी सबने लागू है सत्संग रे मायने जिको आदमी बैठ सके क्योंकि आ है सत्री जाजम थोड़ा बहुत सत वे नहीं जन पचत वा बड़ गणो दे दे बाकी थोड़ो सो बड़ आप रे मायने वे ने बैठन आलो तो पचे इरे भजना रे द्वारा एड़ी एक लीला लाग जो आदमी एक आदमी लागे का पा कोई सत्संग रे मायने या सत्री जाजम रे ऊपर बैठ्या तो संगत बिना रंगत को लागे ने बिना संग रंग नहीं लागे संग करिया बिना रंग को लागे तो एक दूसरे रो संग करनो पड़े और संग करिया ही सत्संग बैठे या को बैठे तो सब पहले क्या पहला सत्संग की भी श्रीया दे जी जद हरि जी खबर पड़ी है श्रीया दे जी रा प्रथम शिष्य प्रहलाद जी महाराज और प्रहलाद जी प्रथम शिष्य गुरु आज का श्रीयादेव जी महाराज होता श्रीयादेव जी अनुभव होयो क्यों श्रीयादेव जी भगवान का भक्त होता राम राम रो कीर्तन करियो और वह पेड़ा जी आंखे राके बिल्ली रा बच्चा बचिया और भी न्याय माऊ जलती अगन माऊ जीवता निकलिया नहीं जने पेड़ा जी महाराज ने ज्ञान हो गयो नहीं जन बहुत नगरी तो इना कष करतो नहीं जिके ने राखता और राम राम करतो नहीं जिके ने देश निकाली कर देता क्योंकि करे मो पड़े नगरी में रह जिके ने सगली चीज जरूरत ना करनी पड़े इसी गांव का चौधरी इसी गांव में रहना ऊंट भी लई लेगी तो आंधी आंधी कहना तो इना कुछ री नगरी में ने रहतो नहीं जिको इना कष करतो नहीं जिके तो राखता राम राम करता जिके ने बाहर निकाल देता तो पेड़ा जी महाराज बचपन रे मायने छोटा होता और श्रीया देवी महाराज की राम राम री भक्ति देखी और बिल्ली रा बच्चा भी अग्नि में जीवता निकलिया जद पेड़ा जी महाराज ने विशेष ज्ञान हो गयो के वास्तव में है जी राम राम ही है माड़ो बाप और नाम लिया तो डूबो भले ही राम राम कह दी करते वो अपर अंखेर हामी जीवता हो जाए तो जीव जी अग्नि में जीव तो काट दियो नहीं जिको तो बचे काईटा काई कर दे की रचना ठाकुर तो पेड़ा जी महाराज वो नाम काठो पकड़ लियो घरे गया अब राम 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 रणुकारो लग गयो इना कसो मन में विचार करियो आपा नौकरी मन मना करे रो घरे ज राम राम करना लो गयो तो अब पेड़ा जी महाराज ने समझाया घणे का और ठीक गया लेकिन ओ रंग है नहीं देखो लाग जे वेनी बिरबाद में पक्को बहुत है और जिते नहीं लागे नहीं जिते तो चौपड़ी उड़ घड़े मत छांट लागे तो बंदे मत लागे और लाग गए उधर उतरे को पेड़ा जी महाराज दुख देनो हो दे गयो लेकिन वो राम राम रो नाम छोड़ियो को तो बड़ो मजबूत पकड़ लियो जिकर मैंने आपरा प्राण रही परवा कर दिया के चाहे मरा चाहे की होवे बाकी राम रो नाम तो मरा नहीं तो ही ले हां जद के प्रहलाद सत्संग कीनी श्रीया दे जी जद हरि जी री खबर पड़ी है हिरणा कश्यप ने खंभ तपायो जद खंभे में बाप मारी है सत्संग अमर जड़ी है जे कोई लाभ लेवे सत्संग रो उनको खबर पड़ी है सुग्रीव सत्संग कीनी राम जी री जद बांदर भोज बणी है काई ताकत थी वो बांदर सेनारी जको रावण चार अड़ी सुग्रीव महाराज एक ही होता बाकी संगत करी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रे राम रे कृपा बारो नाम अमर हो गयो नरसी सत्संग कीनी पीपा जी सुई पर बात अड़ी नरसी जी महाराज का गुरु हा पीपो जी महाराज दर्दी रो काम करिया करता 56 करोड़ री माया होती थी की गुरु पीपा जी महाराज आशीर्वाद हुई नरसी भगत ने मिली उड़ी होती तो नगर सेठ नरसिंह जी महाराज बजिया करता और बी टेमर मन 56 करोड़ री माया नरसिंह जी महाराज कन होती जब नगर सेठ बचता गुरु पीपा जी महाराज वंत समय आ गयो जब नरसिंह जी महाराज मन में विचार करियो कि हम गुरु महाराज रो अंत समय जाप ना दर्शन करिया मां और जे गुरु महाराज रो कहीं इच्छा हुई तो अपन माया कहीं है जो गुरु महाराज रो भंडारो करते हां साधु संता ने भोजन करा दे आठ ने गुरु पीपो जी महाराज अड़ी के भाई नरसी आ जावे तो एक छोटी सी बात बता दू पछे हूं मारो मार्ग पकड़ू तो अब दोनों रो संशय
आठे दिन नरसिंह जी महाराज एक दिन गुरु पीपा जी महाराज के दरबार में पहुंचे, दंडोत प्रणाम करिया और गुरु पीपा जी महाराज पूछे नरसिंह आ गयो कि हाँ महाराज आ गयो। वह बेड़ा जबर काम करियो जान में राज को देखिया जन नहीं बेड़ा जबर काम करियो कई दिन हो गया मिले ही गोन। तो नरसिंह जी महाराज के महाराज आ गयो आदेश करो अठी ने पधार नरसिंह आगे ने। नरसिंह जी मन में विचार करियो मारे माथे मैर है आरा मक्की क्या ही जना आपा होना कोड कर बना नेड़ा हिर किया क्या नरसी शरीर है जिगर कोई भरोसा को नहीं बेड़ा अंत समय आवड़ो है बुढ़ा फेरी बेड़ा है आरा मैं बेड़ा घना दिन आरा को नहीं एहसास ही कोई आश को नहीं खड़े निकल जाए मारो पार्टी चलो विश्वास ही चलो एक नरसी तू है और तने एक बोलाउन देर जाऊं कि बोलाउन ने तने हाँ बरात नहीं है बाकी हरेक रो काम रो को नहीं है। तभी जगह गुरु पीपा जी महाराज कही हो नरसिंह महाराज से हुकुम महाराज बोलो के हो महाराज बाड़ एड़ी है नरसिंह आ हुई है जिको भाई तू मारी ले तो आई मारे तो मैं विश्वास को नहीं उकने जा प्रो और मारो सास कने निकल जाओ और थारे 56 करोड़ की माया है भयुड़ गाडेर में छाल रखी बार है को नहीं और नरसिंह आ तू ले तो आई भाई। नरसिंह जी महाराज मन में विचार करियो देखो अपन माया देव नाना ए रस्तो बताओ नाला ए नगर शेठ बजाओ नाला ए आ वाले कोन हुई रियो डोरोई अर अपा बैठा आठे ये सफर की रोटी माया रे बार कर गेड़ा काटा तो अपा वहां हाल ही थोड़ी तो केव नालो के दे बाकी हुन नालो है ने जो गोख ना करे कि हां बेटी बात तो हाची है तो नरसिंह जी महाराज गोख ना करी अर गुरु महाराज इतो के पणार बार तो अंशो हजबूत गयो और नरसिंह जी महाराज बा सोच बना अरे भाई 56 करोड़ की मायावती जी की सरना साधु संता ने दान में दे दी और भगवान रे माथे निर्भर मत हो पणार पुरताल बजाउनी हरु कर दिए रामा कृष्णा हरे कृष्णा गोविंदा रामा कृष्णा करना हरु कर दियो। अब भी 56 करोड़ की माया और भी गुरु महाराज जी बात रो विचार जिकी टाइम रमाइन के नानी भाई राम ने रमाइन मायरे रो काम पड़े है और बठे भगवान ने नरसिंह जी महाराज याद करे के भगवान मां के 56 करोड़ की माया होती हूं एड़ा माई रे कई भर दे तो बाकी मारे तो एक शब्द री लागे सो इस जाने गफल क्या जाने मेरा भाई के भगवान रे धर्म मत करियोड़ी धन गणो मिले महाराज तो थारे नाम रे मात्र साधु संता ने दान कर दे तो कठी भगवान है तो आज आ बात पत्रार दे जद सजना कहवे नरसिंह सत्संग कीनी पीपा जी री सुई पर बात अड़ी है 56 करोड़ रो भरियो माई रो जद आए आप हरी हरी सत्संग अमर जड़ी है जे कोई लाभ लेवे सत्संग रो उनको खबर पड़ी है। भजन अंतर मन कबीरदास जी महाराज बड़ी अच्छी बात लिखी है के लोवा सत्संग कीनी काठी अर जड़ पर न्याव तेरी है खिलो एक तो वेने जी के मैं कल्डान होए अर भी मैं अहंकार होए अर भी मैं बार भड़ोए तो खिलन एक लेन तो ना कहने में पानी में डूबे लकड़ी में वे शीतलता और निर्मलता कठी तोरे माते छोड़ी नि बात तेती तेती जाए तो के एक खिले रो संग है जिको भी लकड़ी में कर दे ठरका अपना फाटपी में छोड़ दे तो बा लकड़ी तिर जावे और भी लकड़ी रे संग तो वो खिलो बड़े तिर जावे तो सत्संग तो है लकड़ी वाली फाटपड़ी अपा हां खिलो खिलो का यहां पर गुल मेगा हां तो इन मायने ला जानी जद जापन और कोई सत्संग री लागे शब्द री लागे सोई जाने गफन क्या जाने मेरा भाई शब्द हमारा मर गया और शब्द छोड़ो राज जन जन शब्द विचारिया पर को बारा सरिया काज लोवा सत्संग कीनी काठी जड़ पर न्याव तेरी है कहत कबीर सुनो भाई साधु आ तो बात खरी है सत्संग हमारे जड़ी है जे कोई लाभ देवे सत्संग रो उनको खबर पड़ी है। बोले मात पिता गुरुदेव की सतगुरु दीन दयाल की एक भजन और बाकी रह गयो साहिब मन लगे चाय वाला फूर्ति कर दिया।